क्या 1000 करोड़ का टारगेट है सिंघम 3 से? और दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग कब से शुरू हो रही है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। रोहित शेट्टी सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस के 7 रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक हफ्ते में सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 120 करोड़ की कमाई कर ली है और इसी के साथ रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ की कमाई पूरी कर ली है। रोहित शेट्टी ने कॉप वर्ल्ड की शुरुआत की थी 2011 में सिंघम के साथ। सिंघम ने बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी मारी। इसके बाद 2014 में सिंघम रिटर्न्स के साथ रोहित शेट्टी ने 140 करोड़ की कमाई की। 2018 में सिम्बा के साथ ही कॉप वर्ल्ड कॉप यूनिवर्स में बदलना शुरू हुआ। सिंघम ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ की कमाई की। सूर्यवंशी के साथ रोहित शेट्टी ने एक भरी पूरी कॉप यूनिवर्स की झलक दी है और फिल्म में अब तक 120 करोड़ की कमाई कर ली है, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर रोहित शेट्टी ने कॉप से 600 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर सूर्यवंशी को 200 करोड़ के टारगेट में रखा जाए तो ये कॉप यूनिवर्स 700 करोड़ का हो जाएगा। इसके बाद रोहित शेट्टी बढ़ेंगे सिंघम 3 की तरफ, जो कि और भी बड़ी होगी और अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म होगी। माना जा रहा है कि सिंघम 3 के साथ रोहित शेट्टी 300 करोड़ क्लब के टारगेट को पूरा करेंगे और कॉप यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कीर्तिमान लिखेगा। रोहित शेट्टी ने इस कॉप यूनिवर्स का बीज डाला था रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा से। सिम्बा का आधार बना था सिंघम, जहां रणवीर सिंह का किरदार सिम्बा पुलिस ऑफिसर सिंघम का फैन होता है। वहीं क्लाइमैक्स में जब वाकई सिंघम अजय देवगन की एंट्री हुई तो फैंस ने थिएटर में तालियों के साथ कुर्सी तोड़ जश्न भी बनाया था। यहीं से ये साफ था कि फैंस को इस यूनिवर्स में दिलचस्पी होगी। सिंघम इस यूनिवर्स के पहले हीरो हैं। रोहित शेट्टी सूर्यवंशी के साथ अपनी कॉप यूनिवर्स की झलक दे रहे हैं, जहां उन्होंने अपने बाकी दोनों कॉप किरदारों सिम्बा और सिंघम को फिल्म में जगह दी है। एक तरह से एक कॉप यूनिवर्स की टेस्टिंग थी जो कि काफी सफल रही, क्योंकि दर्शक अभी से सूर्यवंशी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान की एंट्री के बाद इस कॉप यूनिवर्स में अब 4 बड़े सितारे एक साथ दिखेंगे। सलमान खान का चुलबुल अवतार, रणवीर सिंह का सिम्बा अवतार, अजय देवगन का सिंघम अवतार और अक्षय कुमार का सूर्यवंशी अवतार। सलमान खान ने रोहित शेट्टी को सिंघम दबंग क्रॉसओवर की इजाजत दे दी है। रोहित शेट्टी की स्टाइल पर गौर किया जाए तो रोहित शेट्टी इस क्रॉसओवर की शुरुआत सिंघम 3 के क्लाइमैक्स के साथ ही कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान से लड़ते हुए केवल अजय देवगन ही नहीं, उनका साथ देने वाले सलमान खान अपने चुलबुल अवतार में भी दिखाई दे सकते हैं। रोहित शेट्टी अपनी कॉप यूनिवर्स को पूरी करने के लिए एक महिला कॉप की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए मुख्य लीड के लिए कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक रोहित शेट्टी को अपनी लीडिंग लेडी नहीं मिल पाई है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन स्टारर सिंघम रिटर्न्स साल 2014 में 15 अगस्त के दिन रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी और इसे 15 अगस्त वीकेंड का पूरा फायदा मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ की ओपनिंग की थी। पहले वीकेंड में फिल्म ने 77 करोड़ की कमाई कर ली थी। फिल्म ने कुल 140 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था और ये अजय देवगन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। सिंघम 3 9 सालों बाद ठीक इसी दिन 2023 में रिलीज होगी। 1000 करोड़ पूरे होने का इंतजार अब बस रोहित शेट्टी सिंघम 3 के साथ अपने कॉप यूनिवर्स को किस तरह और किस दिशा में बढ़ाते हैं ये देखने का इंतजार है। रोहित शेट्टी भारत के सबसे सफल डायरेक्टरों में से एक हैं और मसाला फिल्मों के भगवान। वो जिस फिल्म पर हाथ लगा देते हैं उसकी बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी 100% होती है। तो बस अब एक बार फिर से अजय देवगन को आता माजी सटकली बोलने का इंतजार कीजिए और इसी के साथ रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के 1000 करोड़ के पूरे होने का इंतजार भी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूर्यवंशी 500 करोड़ कमा पाएगी और आपको सिंघम 3 का कितना बेसब्री से इंतजार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।